बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जर्दा, जिसके लिए हमने ये चावल को धोकर ले लिया है। और ड्राई फ्रूट्स में है काजू, बादाम और गरी, और ये कलर। हमने बर्तन में पानी गर्म कर लिया है, अब हम इसमें कलर डालेंगे। पानी गर्म हो गया है, अब हम इसमें चावल डालेंगे। हम चावल को 80% तक पका लेंगे। हमारा चावल 80% तक कुक हो गया है। हमने गैस को बंद किया, अब हम चावल को छान लेंगे। चावल छानने के बाद अब हम कढ़ाई में तेल लेंगे। आप तेल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम तेल में इलायची और लौंग डालेंगे। अब हम तेल में चावल डालेंगे। चावल के बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। हमने जितना चावल लिया था उतना ही चीनी लेंगे। अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। हम इसे 5 से 10 मिनट तक ढककर पकाएंगे। ड्राई फ्रूट्स को डालना भूल गए थे, तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। हम इसे चलाएंगे नहीं, क्योंकि अगर हम इसे चलाएंगे तो चावल टूट जाएंगे, तो हम इसे बिना चलाए ही पकने देंगे। हम इसे खोल कर देख लेते हैं। 5 मिनट बाद ये कुछ इस तरह से है। हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे। फ्लेम हमारी लो ही है। हमारा जर्दा बनकर तैयार है। गार्निश के लिए हम यूज करेंगे ड्राई फ्रूट्स।